अब इसमें वर्क मॉड्यूल है, हम सर्च करते हैं 30 जनवरी से 1 फरवरी जिस जिसने काम किया है, कहाँ कहाँ किया है। ये जोन आ गया 30 को पालमपुर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8 घंटे, ये इसकी इमेजेस हैं। इसी तरह से विजय शर्मा पालमपुर होटल का नाम आ गया 10 घंटे, धर्मशाला 10 घंटे, ये इसके टोटल हावर्स जोन के 8, ये जो अमाउंट भरा है उससे कैलकुलेट होकर टोटल आ जाएगा। इसी तरह से इसका ये आ गया और नीचे टोटल आ गया सबका, ये प्रिंट कर सकते हैं। वर्क एट वेन्यू, किस वेन्यू पे किस किसने कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक क्या काम किया है। 30 जनवरी से ले लेते हैं, ये आ गया विजय शर्मा ने, स्टार्ट डेट टाइम एंड टाइम टोटल आवर्स। पानपुर का आ गया, टोटल आ जाएगा। अभी मैंने एक एक एंट्री की है, जितने भी किए होंगे इसमें एम्प्लॉई एट वेन्यू कि ये एम्प्लॉई किस किस वेन्यू पे काम कर चुका है, फ्रॉम स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट, ये है जी टोटल आवर्स इतने हो गए, ये है जी। डेली क्लोज ये तो आपको पता ही है, पीरियोडिक सर्च करना है तो पीरियोडिक भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो मैंने दूसरा सेव नहीं किया है, ये इमीडिएटली क्लोज आ गया जी। एक्सपेंसेस में जो खर्चे हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे इस तारीख से इस तारीख तक विद डेट, कैप्शन चेंज करनी पड़ेगी, मैं कैप्शन चेंज कर देता हूँ, एम्प्लॉई होगा यहाँ पे डेट आएगी, यहाँ पे एम्प्लॉय आ जाएगा, ये एम्प्लॉय हो गया, ये डेट हो गई, वेन्यू के साथ वेन्यू नेम कंपनी नेम भी ले लेते हैं, तो कंपनी नेम भी आ गया और 100 इसने एक्सपेंस किया है। यहाँ से रिमार्क्स देख सकते हैं, फोटोग्राफ की वॉइस का ऑथराइज बाई किसने की वगैरह वगैरह। सर्च एक्सपेंस में है पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय का देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं डिटेल।